प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। आप सभी को गोरखपुर न्यूज़ परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए थाना प्रभारियों के किए बम्पर तबादले, कईयों को किया लाइन हाजिर, दो सब इंस्पेक्टर को बनाया थाना प्रभारी। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 17 अगस्त तक सभी नागरिक अपने अपने घरों पर लगाए तिरंगा झंडा। प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने जनपद वासियों सहित देशवासियों से की अपील। क्या आपको पता है कैसे हुई थी रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व की शुरुआत? हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है रक्षाबंधन। गोरखपुर न्यूज द्वारा प्रस्तुत है रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आईडीएमएस कार्यालय से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से दिया संदेश। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने के लिए सभी जनपद वासियों से की अपील। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर जिला कारागार में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों की भारी संख्या में लगी रही भीड़। कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों को बारी बारी से किया गया अंदर। बहनों ने जेल में पहुंचकर भाइयों को बांधी राखी। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम प्रांगण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। महापौर सीताराम जायसवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर किया सम्मानित। परिजनों ने महापौर व नगर आयुक्त को दिया धन्यवाद। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन प्रांगण से डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का किया गया शुभारंभ। मिनी मैराथन दौड़ में 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को डीआईजी द्वारा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर के तत्वावधान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा, अभियान में बढ़ चढ़ कर दर्ज कराएं अपनी सहभागिता। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से निकाला गया तिरंगा यात्रा। कहा, आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना तिरंगा यात्रा का है उद्देश्य। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 निरीक्षकों व 2 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। एसएसपी ने रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला को पुलिस लाइन व कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर को रामगढ़ताल थाने का प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही गोला के थाना प्रभारी जयंत कुमार सिंह को खोराबार थाना प्रभारी और खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह को पुलिस लाइन, उरवा थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य को कोतवाली थाने का प्रभारी बनाया है। एसएसपी ने एएचटी के प्रभारी जयनारायण शुक्ला को गोला थाने का प्रभारी, न्यायालय सुरक्षा प्रभारी भूपेंद्र कुमार सिंह को उरवा बाजार थाना प्रभारी, पीपीगंज थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह को गोरखनाथ थाना प्रभारी, गोरखनाथ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह को पुलिस लाइन का रास्ता दिखाया है।
उन्होंने गुलेरिया थाना प्रभारी उमेश कुमार वाजपेयी को, चौरी चौरा का थाना प्रभारी, चौरी चौरा थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे को गुलेरिया थाना प्रभारी, तिवारीपुर थाना प्रभारी राजेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस लाइन भेजा है। एसएसपी ने सोनबरसा चौकी प्रभारी मदन मोहन मिश्रा को तिवारीपुर का थाना प्रभारी तथा नौसर चौकी प्रभारी सूरज सिंह को पीपीगंज का थाना प्रभारी बनाया है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। 75 साल बाद शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है और सभी लोगों को बताया जा रहा है कि देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था। उन्होंने कहा, उस देश का विकास तभी होता है जिस देश के अंदर राष्ट्रवाद होता है, जिससे देश विकसित होता है। कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए राष्ट्रवाद का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक 13 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, इस देश और देशवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। 75 साल बाद आज के दिन में कम से कम शहीदों को, ये देश में कैसे गुलामी थी, किस तरीके से आतंकियों ने इस देश को कब्जा किया था, आज़ाद कराने वाले लोगों ने किस तरीके से खून बहाया है, कम से कम जिसकी आज़ादी के बदौलत आज आज़ाद भारत में हम लोग खड़े हैं, बड़े हैं, उसे याद करना हो। और बच्चे से हर धर्म हर जाति के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जिस होता है, विश्व में विकास उसी के अंदर होता है जिसके अंदर राष्ट्रवाद भरा होता है। राष्ट्रवाद होने के बाद देश विकसित होता है, समाज विकसित होता है, व्यक्ति विकसित होता है, हर व्यक्तियों के अंदर ये परिकल्पना आ रही है। उसी ने मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। और क्योंकि कुछ राजनीतिकरण लोग जो थे, तुष्टिकरण के लोग करने के लिए कुछ बच्चों के अंदर जहर घोल कर राष्ट्रवाद के खिलाफ थे। कम से कम अगर हम शुरू में ही अगर हम अपना पेड़ लगा दें, अपने बीज को राष्ट्रवाद का डाल देंगे, तो वो कामयाब नहीं पाएंगे और राष्ट्र का निर्माण हो जाए, उन बच्चों का भी भविष्य बनेगा। नागरिकों को अपील करूंगा कि ये तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, न किसी व्यक्ति का है, देश का है, और ये भारतीय संस्कृति का है, और इस देश के हर एक नागरिक का, उन शहीदों के नाम का है जिन्होंने इस अपने खून को बलिदान देकर हमारे लिए ये स्वतंत्रता दिलाई। क्या आपको पता है कैसे रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व की शुरुआत हुई थी? हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना करती है। इस वर्ष यह त्यौहार 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल रक्षाबंधन को लेकर लोगों के बीच में काफी असमंजस्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य भाद्रपद काल में नहीं मनाया जाता है। इसी वजह से भाई बहन का यह पावन पर्व रक्षाबंधन 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत मां लक्ष्मी ने की थी। आज गोरखपुर न्यूज आपको रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा बताता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि जब अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। उस समय राजा बलि ने बिना सोचे भगवान विष्णु को 3 पग देने का वचन दे दिया। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने अपने छोटे से पांव से 2 पग में आकाश और पाताल को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने सिर को भगवान विष्णु के चरण के नीचे रख दिया। यह देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन मांगा कि वह जब देखें तो उसे भगवान विष्णु ही दिखाई दे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया और तथास्तु कहकर पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाने से माता लक्ष्मी को बहुत चिंता होने लगी। माता लक्ष्मी की चिंता को देखकर देवर्षि नारद ने माता को एक सुझाव दिया कि वह राजा बलि को अपना भाई बना ले। ऐसा करने से उनके स्वामी वापस उनके पास आ जाएंगे। नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची।
राजा बलि ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, तुम मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार संसार में प्रचलित हो गया। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। उंगली कटने की वजह से रक्त की धार बहने लगी थी। उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी को चीर कर उसके एक टुकड़े को भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। उसके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने बहन के रूप में स्वीकार कर उन्हें हर संकट से बचाने का वचन दिया था। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण में निवस्त्र होने से भी बचाया था। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जीताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। यह घटना भी सतयुग में हुई थी। सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहां उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धाग का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर छिटक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम स्थित आईटीएमएस कार्यालय से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हर घर तिरंगा लगाने के लिए संदेश दिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव देश मना रहा है, जिसका शुभारम्भ 11 अगस्त से हुआ है, जिसको देखते हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बात रखी है। साथ ही गोरखपुर पुलिस व उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपराध मुक्त व भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकों से समन्वय बनाने के लिए उनसे बात की जा रही है, उनका सुझाव भी लिया जा रहा है। लोगों के लिए पुलिस विभाग नए नए चुनौतियों का सामना करते हुए किस तरह से कार्य कर रहा है, उस बारे में भी बताया गया है। इसके साथ हर देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा कि हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश को विश्वगुरु बनने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, आईटीएमएस के माध्यम से लाखों लोगों से हम लोग संवाद कर सकते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं और सुझाव भी ले सकते हैं। सीसीटीवी के माध्यम से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे अपराध पर रोक लग रहा है। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, गुंडा एक्ट हो, एनएसए हो, रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स के प्रति कार्रवाई हो, ऐसे लोग जो समाज में अपराध करके अनैतिक तरीकों से धन अर्जित करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण हो, या ऐसे अपराधी जो अपराध करके
अवैध रूप से अतिक्रमण करके ऐसे कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनका ध्वस्तीकरण हो, ऐसे सभी प्रयास लगातार गोरखपुर पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। आपका सहयोग उसमें मिल रहा है। आज के युग में उत्तर प्रदेश पुलिस और गोरखपुर पुलिस के लिए महिला सुरक्षा सबसे उच्च प्राथमिकताओं में से है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं। हर थाने पर महिला आगंतुकों के लिए महिला हेल्प डेस्क की एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार भ्रमणशील रह करके महिला सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। 1090 वुमेन पावर 9 इस नंबर को डायल करने पर तत्काल सहायता और सुरक्षा प्रदान किए जाने की को सुनिश्चित किया जाता है। जनपद गोरखपुर में शेरनी दस्ता पिंक स्कूटी के माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग की जाती है। विगत वर्षों में मिशन शक्ति का कार्यक्रम, जिसमें महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की अनेकों योजनाएं अन्य विभागों के साथ समन्वय करते हुए इसका आयोजन किया गया है। किसी भी प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए जन सुनवाई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जन सुनवाई को और पुलिस और नागरिकों के बीच में अच्छा समन्वय बनाने के लिए भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। प्रत्येक थाने पर जन सुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें एक महिला आरक्षी को भी नियुक्त किया गया। 24 घंटे में किसी भी समय पर यदि कोई प्रार्थी थाने पर अपना प्रार्थना पत्र लेता है, लेके जाता है, तो उसकी जन सुनवाई के लिए वहां पर जन सुनवाई अधिकारी हर वक्त मौजूद रहते हैं। पुलिस ऑफिस में भी आने वाले सभी आगंतुकों के लिए एक कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप उनको दी जाती है, जिसमें उनके प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है उसका रिकॉर्ड रखा जा सके और कार्रवाई जो है मेरिट के आधार पर तत्काल की जा सके। डायल 112 एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर यदि किसी अपराध का शिकार होता है, किसी आपातकालीन स्थिति में फंस जाता है, तो तत्काल डायल 112 डायल करके सुरक्षा व सहायता प्राप्त कर सकता है। डायल 112 की पहिया गाड़ियां हो या दो पहिया हो, लगातार पूरे जनपद में पेट्रोलिंग करती हैं और निगरानी रखती हैं। IGRS इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, घर बैठे बैठे अगर आपको किसी प्रकार की कोई सहायता, सुरक्षा या जानकारी प्राप्त करनी है, तो IGRS के माध्यम से आप वेबसाइट पे जाकर के अपना प्रार्थना पत्र अपलोड कर सकते हैं और उसकी जांच एक सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है और जांच आख्या भी प्रार्थी तक उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस अथवा तहसील दिवस का आयोजन थानों पर और तहसीलों पर किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से जमीन संबंधी जो विवाद हैं या ऐसे विवाद जिसको कि ज्वाइंट टीम के माध्यम से विभिन्न जो विभाग हैं उनके अधिकारियों के माध्यम से मौके पर जाकर टीम के रूप में उसको सुलझाया जा सकता है, ऐसे विवादों को प्राथमिकता दी जाती है। पुलिस की जो भी प्रयास है, पुलिस की जो भी परफॉर्मेंस है, उसमें नागरिकों का फीडबैक और नागरिकों से संपर्क और नागरिकों के सुझावों को अपने कार्य प्रणाली में शामिल करना अति आवश्यक हुआ है। इसी के चलते लगातार नागरिकों के साथ समन्वय बनाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। फुट पेट्रोलिंग सभी कस्बों में, बाजारों में लगातार नियमित रूप से पुलिस द्वारा की जाती है और वहां पर उपस्थित लोगों के साथ एक अच्छा
वातावरण में उनसे बातचीत की जाती है। गोरखपुर पुलिस द्वारा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विटर के माध्यम से सभी जो हमारे जनपद हैं उनके ट्विटर किसी प्रकार का कोई ट्वीट करता है तो उस संबंध में तत्काल जांच करते हुए उसका रिप्लाई भी दिया जाता है। इसी तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से गोरखपुर पुलिस सभी नागरिकों तक पहुंच करती है। फीडबैक का एक मैकेनिज्म विगत कुछ महीनों से गोरखपुर में चलाया गया है जिसमें ट्विटर पोल, ओपन पोल व अन्य पोल के माध्यम से जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो भी हमारे थाने जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी फीडबैक आपके माध्यम से ली जाती है और उसके आधार पर और कैसे सुधार किए जाने हैं, किन किन विषयों पर और हम लोगों को काम करने की जरूरत है, इस विषय में भी फीडबैक ली जाती है, तो भी स्थापित किया गया। इसी तरह से जिन व्यक्तियों द्वारा, जिन अपराधियों द्वारा अपराध किया जाता है उसके लिए ऑपरेशन शिकंजा विगत महीनों में चलाया गया जिसमें 200 से भी ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई, जिनमें से 70-76 के आसपास लोगों को आजीवन कारावास। इसी तरह से आज की डेट में अपराध की रोकथाम, कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी के रूप में सीसीटीवी कैमरा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सीसीटीवी सर्विलांस को और सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छी पहल जनपद गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से चलाई गई है जिसमें कि संभ्रांत और सक्षम नागरिकों का सहयोग लेकर के उनको प्रेरित किया गया है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर अपने संसाधनों से अच्छी क्वालिटी के कैमरास लगाएं और उसको ऑन करें, और जो भी नागरिक इस अभियान में हमारा सहयोग कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करा रहे हैं, उनको पुलिस विभाग द्वारा मौके पर जाकर के सम्मानित किया जा रहा है। इस पूरे अभियान का बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों के माध्यम से, संभ्रांत नागरिकों के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। इसमें अन्य माध्यमों से आती है उनको कैसे सुलझाया जा सके, कैसे परिवारों को टूटने से बचाया जा सके और कैसा एक अच्छा माहौल परिवार में पैदा किया जा सके, इसके लिए परिवार परामर्श केंद्र द्वारा लगातार काउंसलिंग। जो छोटे बच्चे हैं अगर उनके साथ कुछ अपराध होता है या उनकी गुमशुदगी होती है तो उस संबंध में एएसटीयू शाखा द्वारा लगातार उसको फॉलो किया जाता है और उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। गोरखपुर पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे इस जनपद को, इस शहर को, यहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों को सुरक्षा का एक माहौल दिया जा सके, कैसे वो अपने आप को दिन और रात के किसी भी समय पर जब भी वो कहीं जाना चाहे तो एक सुरक्षित माहौल में वो जा पाए। पहले से स्थितियां बहुत अच्छी हुई हैं, सुरक्षा का माहौल और सुरक्षा की जो एक भावना है वो नागरिकों में भी देखने को मिल रही है। पुलिस विभाग ने भी अपने में बहुत चेंजेस लाए हैं, सुधार लाए हैं, परंतु ये निरंतर प्रक्रिया है और इसमें आप सभी नागरिकों का सहयोग, समन्वय और सुझाव बहुमूल्य है। मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले दिनों में अपने जनपद को सुरक्षित, अपराध मुक्त और भय मुक्त बनाने के लिए आप सभी का सहयोग, समन्वय और सुझाव लगातार हमको प्राप्त होते रहेंगे। देखिए, जैसा आप सभी को अवगत है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि पूरे देश, प्रदेश और जनपद में मनाया जा रहा है, कल से इसका शुभारंभ हुआ है, उसी की श्रृंखला में एक जो गतिविधि के रूप में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से इस विषय में अपनी बात रखने के लिए आज हम यहाँ पर ITMS का जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ पर आए हैं, और साथ ही साथ गोरखपुर पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक अपराध मुक्त और भय मुक्त
वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, नागरिकों के साथ जो समन्वय बनाया जा रहा है, उनके जो सुझाव आ रहे हैं उनको बहुत गंभीरता से लिया जाता है, और कैसे पुलिस विभाग अपने आप को भी विकसित करते हुए नई चुनौतियों के लिए हर रोज़ नए रूप में तैयार होते हुए क्या क्या कार्य कर रहा है उस बारे में भी बताया गया है। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि ये जो गौरव का पल, ये जो गर्व करने का पल हम लोगों को अपनी स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के रूप में, आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा के रूप में जो हम मना रहे हैं, इससे हर देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और देश की इस विकास की यात्रा और विश्व गुरु बनने की यात्रा में अपना योगदान देगा। देखिए, हम लोग एक प्रजातंत्र में काम करते हैं और प्रजातंत्र का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है संवाद, और ITMS के माध्यम से एक ही समय पर हम लोग इस जनपद के हजारों लाखों लोगों से लगातार संवाद कर सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, उनके जो फीडबैक आते हैं उस पर हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है उसके बारे में बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल इसमें हो रहा है और जो ITMS में CCTV कैमराज हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ट्रैफिक लाइट्स का सिस्टम है, उसका कैसे आगे जाके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा माध्यम हमको प्राप्त हुआ है। जिला कारागार में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों की भारी संख्या में भीड़ लगी रही। इस दौरान बहनों को जेल के नियमानुसार हाथ में मोहर लगाकर लाइन लगाकर जमा तलाशी के बाद बारी बारी से प्रवेश करने दिया गया। जेल में रक्षाबंधन पर्व पर विशेष आयोजन किया गया था। बहनों के लिए राखी स्टॉल लगाया गया था, जिससे अगर कोई बहन राखी भूल गई हो तो उसको राखी के लिए परेशानी ना हो। भाइयों से मिलने के बाद सभी बहनों के चेहरे खिल उठे। बहनों ने प्रेम भाव से भाइयों के कलाई पर राखी बांधी, जिसके संबंध में जिला कारागार के जेलर AK कुशवाहा ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर शासन से निर्देश प्राप्त हुआ था कि सभी बहनों का भाइयों से मुलाकात करवाया जाए, जिसको देखते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ सभी बहनों की भाइयों से मुलाकात करवाया गया है। रक्षाबंधन पर्व पर जेल में सभी तरह की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए महिला बैरक की व्यवस्था की गई है और जिन बहनों के पास राखी नहीं है उनके लिए राखी की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के जेलर AK कुशवाहा ने कहा, अरे शांत हो जाओ, हो जाओ, किसका नाम कैसे कोई तुझे ना शांत हो जाइए आप लोग। नाम सुनो भाई, सभी लोग ओम दीवान मौर्या आ जाओ। गोलू चवाल, गोलू चवाल दिली हो हम चले हम ना करो ऐसा नहीं बाबा ये कर रहा है उधर लगा उधर लगा साथ में बोलो उधर लगा कहीं नहीं लगाओ जाओ मजा झुके खड़ा बैठ जाएंगे एक ही साथ हो किसे मिला है आपको तो ये आप कल अकाउंट करते रहिए आप लोग इधर जेल गुरुपालक जाओ मोबाइल ले लेना, मोबाइल ले लेना। अभी ये लड़कियां मत
सभी बहनों की मुलाकात कराए जाने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी बहनों की मुलाकात उनके भाइयों से कराई जा रही है। सर, क्या व्यवस्था है यहाँ पे, किस तरह से बहने मिल सकते हैं? पूर्ण व्यवस्था है, जिनके पास सामान नहीं है उनके पास अंदर सामान की व्यवस्था है, राखी की व्यवस्था है, महिला बैरक के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। राखियों की व्यवस्था अंदर की गई है? हाँ, जिनके पास नहीं है हाँ, राखियों की व्यवस्था अंदर भी है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए थाना प्रभारियों के किए बम्पर तबादले, कईयों को किया लाइन हाजिर, दो सब इंस्पेक्टर को बनाया थाना प्रभारी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 17 अगस्त तक सभी नागरिक अपने अपने घरों पर लगाए तिरंगा झंडा। प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने जनपद वासियों सहित देशवासियों से की अपील। क्या आपको पता है कैसे हुई थी रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व की शुरुआत? हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है रक्षाबंधन। गोरखपुर न्यूज द्वारा प्रस्तुत है रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आईडीएमएस कार्यालय से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से दिया संदेश। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने के लिए सभी जनपद वासियों से की अपील। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर जिला कारागार में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों की भारी संख्या में लगी रही भीड़। कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों को बारी बारी से किया गया अंदर। बहनों ने जेल में पहुंचकर भाइयों को बांधी राखी।
आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम प्रांगण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। महापौर सीताराम जायसवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर किया सम्मानित। परिजनों ने महापौर व नगर आयुक्त को दिया धन्यवाद। आजादी की 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन प्रांगण से डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का किया गया शुभारंभ। मिनी मैराथन दौड़ में 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को डीआईजी द्वारा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर के तत्वावधान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा, अभियान में बढ़ चढ़कर दर्ज कराएं अपनी सहभागिता। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से निकाला गया तिरंगा यात्रा। कहा, आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना तिरंगा यात्रा का है उद्देश्य। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। 2 की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए।
9588335946। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम के प्रांगण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिजनों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको देखते हुए पूरे देश में अलग अलग दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को महापुरुषों से परिचय करवाया जा सके, जिनकी वजह से हम लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। उसी कड़ी में नगर निगम के 400 वाहन से तिरंगा रैली निकाली गई थी। 11 अगस्त को एक मिनी मैराथन दौड़ आयोजित किया गया था, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, जिससे सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक हो सके। शुक्रवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया और तिरंगा रक्षा सूत्र बांधा गया। उन्होंने कहा, इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। महानगर में सभी घरों पर तिरंगा लहरा रहा है, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों व नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, नगर निगम परिवार की तरफ से माननीय महापौर जी द्वारा सम्मान हम मैं आदरणीय डॉक्टर पांडे जी से सुनता पांडे जी आप साइड में जाइए माननीय महापौर अर्पित करके सम्मानित कर रहे हैं श्री कलावती जी। मिष्ठान भेंट किया जा रहा है जी, और साल अर्पित करेंगे आदरणीय नगर नगर आयुक्त और भी अच्छी जा रहे हैं मिष्ठान भेंट करेंगे नगर आयुक्त माननीय नगर आयुक्त मिष्ठान भेंट करेंगे आगे आमंत्रित कर रहे हैं श्री जयप्रकाश सिंह। श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी माल्यार्पण महापौर जी कर रहे हैं, नगर आयुक्त सर साल अर्पित कर रहे हैं, स्थान भेंट किया जाए। वीरेंद्र कुमार यादव लोगों को सम्मान लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है एक ये हम लोग नगराय साहब ने क्या कहा जी नगराय साहब ने कुछ बात की आपसे क्या कहा हम नगर आयुक्त महोदय ने हम लोगों को आज टैक्स माफ करने के लिए कहे सेनानी परिवार को सम्मानित भी किया गया आप लोग हाँ सम्मानित किए हैं साल और रक्षा सूत्र बांध कर कैसा लगा बहुत अच्छा लगा। हमारा नाम महंत प्रजापति है, हम चौरी चौरा कांड से हमारे बाबा हैं जिनकी योगदान थी कि उन्होंने अंग्रेजों को पकड़ करके पैर उनका पकड़ करके रेलवे लाइन के किनारे पटक पटक करके मारते थे और उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। तब हम नगर आयुक्त बहुत आभार उनका अभिनंदन व्यक्त करना चाहेंगे कि जो हमेशा वो 15 अगस्त 26 जनवरी को बुला करके सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो है करते हैं सम्मानित करते हैं और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया है इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहेंगे और अभी
चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा और हर वर्ष चलता रहे, ताकि हमारे जितने भी लोग जो है वो सबको पता लगे कि आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी के ऊपर वो लोग विचार कर सके, आज़ादी को अपने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए ताकि बेहतर सारे लोगों को अनुभव हो सके आज़ादी के बारे में। डॉक्टर कुमार यादव, मेरे पिताजी स्वर्गेंद्र प्रसाद यादव स्वतंत्र सेनानी थे और उनका बहुत बड़ा योगदान जो है स्वतंत्र सेनानी में रहा है। काफ़ी समय तक जो है अपनी जेल में यातना झेलते हुए अपना अधिकांश समय वो जेल में व्यतीत किया। कैसा लगा ये सम्मान मिला? ये सम्मान नगर निगम द्वारा जो महापौर द्वारा जो सम्मान प्राप्त किया गया, मैं उनका अनुग्रही दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ ये जो है सम्मान हमेशा प्रदान करते रहे। धन्यवाद। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और पूरा देश आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है और इसी के परिप्रेक्ष्य में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरे देश में तिथिवार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारे संतों संग्राम सेनानी हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। और दूसरी तरफ इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमको आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, उसको उन भावनाओं से उस इतिहास से भी परिचित कराना है कि जिनकी जिन महापुरुषों की वजह से आज हम लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। उसी कड़ी में 10 तारीख को पूरे शहर में नगर निगम की 400 चार पहिया वाहनों के माध्यम से तिरंगा वाहन रैली निकाली गई थी। 11 तारीख को पूरे शहर में एक मिनी मैराथन के रूप में 12 किलोमीटर लंबी तिरंगा मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, सेकेंड प्राइज 31,000 रुपये और थर्ड प्राइज 21,000 के रूप में दिया गया। साथ ही साथ 2100 के 10 कंसोलेशन प्राइज भी अलग अलग दिए गए। निश्चित रूप से इसका भी उद्देश्य जो है आम जनमानस के बीच में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, जो कि हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है और जिसको मूल में रख के ही पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अवगत कराना था। आज जो है हम लोगों ने जिनकी वजह से खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, उन संतान संग्राम सेनानियों के आश्रित जन, उनके परिवारिक जन को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मान के साथ आमंत्रित किया था। यहाँ पर उन सभी परिवारों के जो संतान संग्राम सेनानियों के परिवारिक जनों का यहाँ पर सम्मान किया गया, उनको माला शॉल ओढ़ाकर मिष्ठान खिलाकर मिष्ठान देकर पूरा उनका जो है सम्मान किया गया और एक भव्य मंच पर उनको अलग से एक साथ बैठाकर उनको रक्षा सूत्र, उनको जो तिरंगा रक्षा सूत्र है उनको बांधा गया। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहां पूरे शहर में और यह कह लीजिए पूरे देश में लोगों के भीतर, ख़ास तौर से जो यंग ब्लड हैं उनके भीतर देशभक्ति की नई भावना का जहाँ एक नई ऊर्जा का संचार होता है, वहीं दूसरों और हमारे देश की एकता और अखंडता को अलग से एक नई मजबूती मिलती है। आपने इधर देखा होगा कि 10 तारीख के बाद से पूरे शहर में, पूरे गोरखपुर शहर में ऐसा लग रहा है, हर घर घर में आप देख सकते हो, हर व्यापारी प्रतिष्ठान में देख सकते हो, वहाँ पर तिरंगा ध्वज शान के साथ लहरा रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं आप नगर निगम के कैंपस में देख लीजिए, एक एक कोने पर तिरंगा ध्वज लहरा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तिरंगा की, जो तिरंगा हमारा ध्वज है जो हमारी देश की आन बान शान का प्रतीक है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उनके बीच में देशभक्ति की नई भावना का संचार करना। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन प्रांगण से DIG जे रविंद्र गौड़ और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यह मिनी मैराथन दौड़ पुलिस लाइन से शुरू होकर रोडवेज तिराहा होते हुए मोहद्दीपुर और मोहद्दीपुर से वापस पुलिस लाइन पर समाप्त हुआ, जिसमें नागरिक पुलिस के 145 व 26वीं वाहिनी PAC के 55, GRP के 15, यातायात पुलिस के 45 व स्पोर्ट्स से 40 जवानों द्वारा मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया गया, जिसमें 5 बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मी विनोद यादव, अमित पासवान, माधवीश सिंह, राहुल कुमार, सुजीत कुमार को DIG जे रविंद्र गौड़ द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा, तो
उधर से पकड़ेंगे सामने से उधर से आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि पूरे देश में सभी भारतवासियों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, आज उसी के संदर्भ में जनपद गोरखपुर की पुलिस लाइन में एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए मैराथन का समापन भी जनपद गोरखपुर की पुलिस लाइन में किया गया है। इस मैराथन दौड़ में सबसे आगे रहने वाले पहले 5 जो हमारे धावक हैं उनको प्राइज दिया गया है। सभी जो मैराथन में भाग लेने वालों ने अपने हाथ में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर के इस मैराथन में प्रतिभाग किया है और देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की जो भावना है अपने आप में और पूरे समाज में जगाने का इस मैराथन के माध्यम से प्रयास किया गया है। करने पर 22 सीट
नंबर 5 पुलिस सेवा के लिए। वेरी गुड श्री पीएसी 26 बटालियन अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में इस आयोजन को एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज जनपद गोरखपुर की पुलिस लाइन में डीआईजी रेंज महोदय के निर्देशन में यहां पर मैराथन का आयोजन किया गया है जहां पर पुलिस से संबंधित सभी हमारे पुलिसकर्मी यहां पर भाग लिए हैं। डीआईजी सर द्वारा स्वयं पूरी मैराथन कंप्लीट की गई है। जिस भावना के साथ आज ये मैराथन का आयोजन हुआ है मुझे पूरी आशा है कि मैराथन के माध्यम से देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो हम सब में और हमारे जनपद में हमारे प्रदेश में और देश में देशवासियों के बीच में और सुदृढ़ होगी और इस देश को विश्व गुरु बनाने में जो हमने संकल्प किया है उसको हम आगे चल के जरूर पूरा करेंगे। डीआईजी सर का विशेष तौर पर यहाँ पर आने पर और हमें सबको मार्गदर्शन देने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर थोड़ा और लगवाइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल से ही विभिन्न कार्यक्रम पूरे जनपद में मनाए जा रहे हैं और विशेष रूप से पुलिस द्वारा आज यहां पर मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें सभी पुलिस कर्मियों द्वारा डीआईजी रेंज सर के निर्देशन में उसमें प्रतिभाग किया गया। देशभक्ति की राष्ट्रभक्ति की जो एक भावना को और सुदृढ़ करने के लिए ये मैराथन का आयोजन हुआ था। इसमें पहले 5 स्थानों पर आने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में जो इस देशभक्ति की भावना है ये गर्व जो है ये और सुदृढ़ होगा। और देखिए ये पूरा एक हफ्ते का बड़ा ही बृहद कार्यक्रम है जिसमें कई तरह के आयोजन होने हैं। ये जो शेड्यूल है वो जारी हुआ है, सभी पुलिसकर्मी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जनपद में पुलिस विभाग के द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम 11 अगस्त से शुरू हो गया है। सभी थानों की साफ सफाई की जा रही है। इसके अलावा जनपद के सभी पुलिस कार्यालय और पुलिस कर्मियों के आवासों पर तिरंगा झंडा लगाया गया है। इसके साथ 12 अगस्त को एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी नागरिकों को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है जिसके अंतर्गत कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम कल 11 तारीख से ही उनका शुभारंभ हुआ। साफ सफाई व स्वच्छता के कार्यक्रम के बाद हर घर तिरंगा जनपद के सभी पुलिस के आवासों पर वहां पर लगाया गया। इसके साथ ही साथ आज जो है एक मैराथन का भी आयोजन मॉर्निंग में किया गया था। आज पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी नागरिकों को संबोधित किया गया है। ऐसे ही प्रत्येक दिन के कार्यक्रम पूर्व से निश्चित हैं और उसी के अनुसार उसी शेड्यूल के अनुसार सभी कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा निकाली गई जो बेनीगंज महानगर पार्टी कार्यालय से निकलकर दीवान बाजार, कल्याणपुर, जाफरा बाजार, बख्शीपुर होते हुए वापस कार्यालय पर समाप्त हुई। जिसके संबंध में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि आज़ादी के 75वें वर्ष में देश में जन जागरण के लिए तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम
में पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता पूरी महानगर में बढ़ चढ़कर जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि करते हैं। उन्होंने जनपद वासियों से कहा कि सभी अपने घरों पर झंडा लगाएं। अगर किसी को झंडा मिलने में कहीं असुविधा हो रही है तो अपने पार्षद से मिलकर झंडा प्राप्त करें तथा इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री शिवानंद, दिव्य प्रताप सिंह, सचिन जायसवाल, शैलेंद्र, मुरली चौरसिया, राहुल गुप्ता, विशाल जायसवाल सहित पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा, रमेश चंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा। आज़ादी के 75वें वर्ष पे देश में जन जागरण के लिए ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर के द्वारा तिरंगा यात्रा में आज हम पूरे इस शहर में भ्रमण करके इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। घर घर झंडा वितरण करने का भी कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय महामंत्री श्री मनोज जी हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री मुरली मनोहर चौरसिया जी हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री अमनवी मौर्य जी सहित हमारे सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता इस अभियान में पूरी बढ़ चढ़ करके पूरे महानगर में जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे महानगर वासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज़ादी के लिए देश के हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनको यह श्रद्धांजलि है पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस कार्यक्रम में आए हुए अपने सभी अतिथियों का हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। किन रास्तों से रैली जी? किन रास्तों से रैली? यहाँ से हम दीवान बाजार होते हुए बख्शीपुर चौराहा होते हुए अलीनगर वापस आएंगे। हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है, नागरिकों से अपील करना, नागरिकों से अपील करेंगे अपने घर पर झंडा लगावें, वो अपनी सुरक्षा से लगावें। अगर उनको झंडा मिलने में कहीं सुविधा हो रही है, झंडा का वितरण हम लोग स्वयं कर रहे हैं, पूरे महानगर के द्वारा किया गया है, नगर निगम GDA के द्वारा झंडा वितरण कार्यक्रम किया दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके नागरिकों से मैं अपील करूंगा अपनी सहभागिता दर्ज कराने। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें पुलिस बल PSC के जवान, ट्रैफिक पुलिस और नागरिक सुरक्षा कोर अपने हाथों में तिरंगा झंडे के साथ शामिल हुए। तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों, गोलघर, कचहरी चौराहा, शास्त्री चौक होते हुए पुलिस लाइन पर आकर यात्रा समाप्त हुई, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना व सुरक्षा और शांति के प्रति पुलिस बल के प्रति लोगों का विश्वास कायम करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो और सब अपने देश के विकास और प्रगति के लिए देश के संविधान और कानून का पालन करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके बनाए हुए सतमार्ग सच्चे रास्ते पर चलें और अपने देश के कानून संविधान का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, और काफी चौक से इसी रूट से वापस आएंगे। ग्रीन झंडी है सर। Yeah.
आप दोनों जाइए बाहर से क्या कर लीजिए। जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, तू मेरा कलमा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है। Yeah.
जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कलमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, इसी में आज पुलिस जवानों की तरफ से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम अपने जवानों में और नागरिकों में देशभक्ति की और बंधुता की भावना बढ़ाने का, जगाने का कार्य कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए एक ऊर्जा देने के समान है और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि लोगों में देशभक्ति की भावना डेवलप हो, सब लोग अपने देश के विकास और प्रगति के लिए देश के संविधान और कानून का पालन करें। आम नागरिकों से यही अपील है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य तभी सार्थक है, हमारे जिन वीर सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके बनाए हुए सदमार्ग सच्चे रास्ते पर चलें और अपने देश के कानून और संविधान का पालन करें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए थाना प्रभारियों के किए बम्पर तबादले, कईयों को किया लाइन हाजिर, दो सब इंस्पेक्टर को बनाया थाना प्रभारी। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 17 अगस्त तक सभी नागरिक अपने अपने घरों पर लगाए तिरंगा झंडा। प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने जनपद वासियों सहित देशवासियों से की अपील। क्या आपको पता है कैसे हुई थी रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व की शुरुआत? हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है रक्षाबंधन। गोरखपुर न्यूज द्वारा प्रस्तुत है रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आईडीएमएस कार्यालय से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से दिया संदेश। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने के लिए सभी जनपद वासियों से की अपील। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर जिला कारागार में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों की भारी संख्या में लगी रही भीड़। कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों को बारी बारी से किया गया अंदर। बहनों ने जेल में पहुंचकर भाइयों को बांधी राखी। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम प्रांगण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। महापौर सीताराम जायसवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर किया सम्मानित। परिजनों ने महापौर व नगर आयुक्त को दिया धन्यवाद। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन प्रांगण से डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का किया गया शुभारंभ। मिनी मैराथन दौड़ में 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को डीआईजी द्वारा पुरस्कार से किया गया सम्मानित।
11 अगस्त से 17 अगस्त तक आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर के तत्वावधान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा, अभियान में बढ़ चढ़कर दर्ज कराएं अपनी सहभागिता। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से निकाला गया तिरंगा यात्रा। कहा, आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना तिरंगा यात्रा का है उद्देश्य। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।